सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रन्नुम जिया। देखिए आज एक और बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आप किड्स कार्डिगन, लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर या किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लगेगा, टू कलर का ये डिज़ाइन है। चलिए देखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा और बहुत ईजी है। देखिए जब आप अपना बॉर्डर बना लेंगे तो आपने क्या करना है, दो फंदे आप इस तरह से, पहले वाले दो फंदे इस सिलाई पर ले लेंगे बिना बुने। फिर आपने दूसरा कलर जो भी लगाना हो साथ में उसको इस लगाकर दो फंदे आप बुनाई कर लेंगे। मैंने क्रीम कलर लगाया है। ये दो फंदे हमने बुनाई कर लिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों फंदों में यहाँ से सिलाई को लेंगे और इन फंदों को, चारों को सिलाई से निकाल देंगे और इन बुने हुए क्रीम फंदों को यहाँ पहले कर लेंगे और इन्हें आगे करना है। देखिए अब दो फंदे ये हम रेड वाले बुनाई कर देंगे जो हमने ये आगे लिए हैं। देखिए फिर से ये दो फंदे हमारे रेड हैं, इन दोनों को बिना बुना इस सिलाई पर ले लेंगे हम। फिर इन दोनों फंदों को क्रीम को बुनाई कर देंगे, एक दो। अब ये दोनों फंदे बुने जा चुके हैं तो फिर ये दो रेड जो नहीं बुने गए हैं उन फंदों को हमने इधर लाना है। तो इन फंदों को सिलाई से निकालेंगे और ये जो बुने जा चुके हैं क्रीम फंदे उन्हें यहाँ पीछे रखकर इस सिलाई पर ले लेंगे। अब इन दोनों को बुनाई कर देंगे, एक दो। देखिए फिर से इन दोनों फंदों को इस सिलाई पर लेंगे, फिर से इन क्रीम वाले फंदों को बुन देंगे। जो 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 भी कलर आपने लगाना है दूसरे कलर के साथ में उससे आप ये दो फंदे बुनेंगे जब आप अपने बॉर्डर के बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए दो फंदे हमारे बुने जा चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों फंदों को इस सिलाई पर लिया हमने यहाँ इस वाली सिलाई पर। अब इन चारों फंदों को हमने सिलाई से निकाला। अब पहले हम इन क्रीम फंदों को पीछे से, यहाँ से पीछे से लेना है। इन दोनों फंदों को इस सिलाई पर लिया और अब इन दोनों फंदों को बुनाई कर देंगे, एक दो। फिर से दो फंदे इस सिलाई पर लेंगे, फिर से क्रीम फंदों को दो को बुनाई करेंगे, एक दो। अब इन रेड फंदों को इस सिलाई पर ले लेंगे पहले, बाद में इन चारों फंदों को हम निकाल देंगे और ये क्रीम वाले फंदे जो हैं हमारे, इनको हम देखिए पीछे से, ये हमने पीछे से लिए हैं, पीछे से इनको सिलाई पर लेकर अब ये दोनों जो आगे आए हैं हमारे रेड फंदे इनको बुनाई कर देंगे। फिर से इन दोनों फंदों को लेंगे सिलाई पर, अब इन क्रीम फंदों को बुनाई कर देंगे, एक दो। अब इन रेड फंदों को इस सिलाई पर लेकर इन चारों को इस सिलाई से निकालेंगे और इन क्रीम को बुने हुए फंदों को इस सिलाई पर पीछे से लेकर बाद में हम ये रेड वाले फंदे बुनाई कर देंगे। दो दो फंदों का ये डिज़ाइन है और बहुत ही नाइस डिज़ाइन है। देखिए अब फिर से ये दो फंदे हम यहाँ साथ में ले लेंगे, इन दोनों फंदों को इस सिलाई पर लेंगे और इन दो फंदे जो बाद में हैं इनको बुनाई कर देंगे दूसरे कलर से और फिर ये रेड वाले फंदे इस सिलाई में लेकर तब हम इन चारों फंदों को सिलाई से निकालकर फिर इन बुने हुए दोनों फंदों को इस यहाँ पीछे से सिलाई पर लेकर फिर बाद में हम ये आगे लिए हुए दोनों रेड वाले फंदे बुनाई कर देंगे, एक दो। देखिए अब इस सिलाई पर इन दोनों फंदों को लेंगे, फिर से ये क्रीम फंदे हम बुनाई करेंगे, एक दो। अब देखिए इन दोनों को इस सिलाई पर लिया, चारों फंदों को सिलाई से निकाला। अब ये दोनों फंदे पहले लेंगे क्रीम वाले और इन्हें बाद में कर लेंगे। इन दोनों दो दो फंदों को हमने पलटना होगा। फर्स्ट रॉ है ये हमारी। देखिए फिर से इन क्रीम फंदों को पीछे से बुनाई कर देंगे इस सिलाई पर लेकर, फिर इनको इस सिलाई पर लेंगे, चारों को सिलाई से निकाला और इन दोनों फंदों को इन
इन दोनों फंदों को हम इस सिलाई पर लेकर पहले हम ये रेड वाले बाद में रेड वाले फंदे बुनाई कर देंगे। देखिए फिर ये दो फंदे हमने इस सिलाई पर लिए, फिर से इन क्रीम फंदों को बुनाई करेंगे एक दो। अब ये बुनाई करने के बाद इन दोनों फंदों को हमने रेड वालों को आगे लाना है, तो इनको सिलाई से निकाला, इन दोनों फंदों को क्रीम को इसको पीछे लिया और ये रेड वाले आगे किए और इनको हम इस तरह से दोनों को सीधा बुनाई कर देंगे। फिर से दो फंदे हमने सिलाई पर लिए। अब देखिए क्रीम वाले फंदे हमारे दोनों सीधे बुनाई किए हमने, अब ये रेड वाले हमें आगे लाने हैं दोनों फंदे, तो चारों को सिलाई से निकाला, पहले इन दो फंदों को पीछे से लिया, जिस कलर का फंदा है फिर आपने उसी कलर से इस फंदे को बनाना है। देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लगता है। देखिए अब क्या करना है, अब उल्टी सिलाई को हमने, सेकंड रो है हमारी और उल्टी सिलाई है ये, इसको हमने जिस कलर के फंदे हैं उसी से बुनाई कर देना है। जिस कलर के हमारे फंदे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी आप टू कलर का कोई भी डिज़ाइन बनाएं तो थोड़ा ढाला ये धागा जो है ऊन वाला धागा ये ढीला रख कर बनाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन हमारा भींचने लगता है, ये डिज़ाइन भी काफ़ी भींचता है। जब भी आप स्वेटर बनाएंगे तो उसमें आप 6 से 8 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि थोड़ा ये डिज़ाइन भींचता है ऊपर नीचे फंदे करने से, और ऊन को ये सीधा रख कर आपने इस तरह से थोड़ा ढीला रख कर बुनाई कर देना है। पूरी सिलाई हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी। देखिए सेकंड रो मैंने उल्टी थी, ये रॉन्ग साइड थी, यहाँ पर रॉन्ग साइड को मैंने बुनाई कर दिया है जिस कलर के फंदे थे उस कलर से। अब फिर से हमारी ये थर्ड रो आई है, हर उल्टी सिलाई के बाद ये डिज़ाइन जो है चेंज होगा। देखिए अब के बार ये हमारे क्रीम फंदे यहाँ पर पहले आ चुके हैं, तो पहले इन्हें हम इस सिलाई पर बिना बुना निकाल देंगे और इस रेड को हम दोनों को बुनाई कर देंगे। हर बार इसी तरह से करना है, जो फंदा पहले होगा उसको आपने बिना बुना उतार। अब देखिए अब की बार ये रेड वाले फंदे पीछे जाएंगे और ये क्रीम वाले फंदे आगे आएंगे इस तरह से। बस आपने ये देखना है कि पिछली बार आपने कौन से फंदे आगे किए थे, दूसरी बार में आपने कौन से फंदे आगे करने हैं, बस ये ध्यान आपने रखना है। देखिए फिर से ये क्रीम फंदे हमने इस सिलाई पर लिए और इन रेड फंदों को हमने बुनाई किया और इन क्रीम को इस सिलाई पर लिया। अब की बार ये क्रीम आगे हैं तो क्रीम को आगे लाएंगे, रेड को हमने पीछे पहुंचा दिया। अब हम ये क्रीम फंदे दोनों बुनाई कर देंगे, एक दो। देखिए फिर से क्रीम फंदों को यहाँ पर लेंगे हम इस सिलाई पर बिना बुना उतारा, और पहले रेड फंदे बुनाई करने हैं हमने। अब की बार इन क्रीम दोनों फंदों को इस सिलाई पर लेकर फिर बाद में हमने ये पीछे से रेड को इधर लाना है। एक बार एक कलर को पीछे से लेना है, एक बार एक कलर को, और हर उल्टी सिलाई के बाद एक कलर चेंज होगा। देखिए हमने फंदे लिए, रेड को बुनाई किया पहले, अब ये क्रीम फंदे इस सिलाई पर लेकर दोनों फंदों को इस सिलाई में लिया और चारों को निकाल कर पहले ये दो फंदे हमने पीछे से रेड वाले लिए, अब हमने क्रीम वालों को बाद में बुनाई कर देना है। देखिए पहले रेड बुनाई करें, एक दो। अब ये दोनों फंदे इस सिलाई पर ले लेने हैं और चारों को इस सिलाई से निकाल कर इन दोनों को पीछे से लिया, देखिए यहाँ से, और अब हमने ये क्रीम फंदों को बुनाई कर देना है, एक दो। फिर से क्रीम फंदे इस सिलाई पर लिए, इसी तरह से पूरी हमारी ये थर्ड रो भी कंप्लीट होगी। इसके बाद उल्टी सिलाई आएगी, उल्टी के बाद फिर आपने
ये चेंज करने हैं फंदे, ये मैं आपको सिर्फ यही वाली रॉ दिखाऊंगी। अब इन दोनों को फंदों को बुनाई किया, रेड फंदों को पहले क्रीम वाले लाने हैं अब हमने फंदे, तो इन रेड को पीछे से लेना है। अब ये क्रीम वाले फंदे बुनाई कर देंगे, एक दो। जिस कलर के फंदे हैं फिर आपने उसी कलर से बुनते चले जाना है, बस सिर्फ फंदों को चेंज करना है। देखिए लास्ट के हमारे फंदे बचे हैं, दोनों रेड को बुनाई किया, क्रीम को आगे लेना है इनको। आपके बाद क्रीम आ गए हैं, अगले डिज़ाइन पर हमारे रेड वाले आगे आ जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा इन फंदों में हमने फेर बदल करना है। देखिए ये डिज़ाइन भी हमारा कंप्लीट हुआ, कि बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है, बहुत ही नाइस है। इसे आप ज़रूर बनाइएगा। कैसा लगा आपको मेरा डिज़ाइन? मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट्स करें कि कैसा लगा आपको मेरा ये डिज़ाइन। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।